टीकमगढ़ जिले के देहात थाने के नए भवन का सोमवार की दोपहर टीकमगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग के साथ केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक, टीकमगढ़ विधायक, खरगापुर विधायक, जतारा विधायक, पृथ्वीपुर विधायक के साथ कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि टीकमगढ़ जिले के लिए एक साथ 3 नई बिल्डिंगें एक बड़ी सौगात है। नए भवन में पुलिस समस्याओं का विशेष ध्यान दिया जाएगा। टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुन्नालाल चौरसिया के द्वारा नए थाना भवन का शुभारंभ किया गया। नए भवन के प्रथम थाना प्रभारी निरीक्षक नासिर फारूकी होंगे। नया थाना बनने से वहां के पुलिस कर्मियों को काफी सुविधा मिलेगी। यह थाना भवन काफी दिनों से बन रहा था, जो अब बनकर तैयार हुआ है। नया थाना बनने के बाद वहां के पुलिस कर्मियों को अपने कार्य करने एवं रहने में सभी सुविधा मिलेगी। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। लोकार्पण किया, लगभग 93 लाख की रुपए की लागत से ये नया भवन बना है। इससे निश्चित रूप से क्षेत्र में बहुत लाभ मिलेगा और हमारे पुलिस कर्मियों को भी उनके ऑफिस में एक अच्छा माहौल, जिसके माध्यम से वो ठीक ढंग से जनता की सेवा कर सकते हैं, ये यहाँ प्राप्त होगा। और बहुत ही सुंदर भवन बना है। सभी तरह की जो जो थाने में ज़रूरतें रिक्वायरमेंट रहती है, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये बना है। हमारी सरकार हर स्तर पर, हर विभाग में जो जो ज़रूरत है उस पर काम कर रही है। नवनिर्मित थानों का निर्माण तो हो, और उसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया जाए कि पुलिस वालों के लिए उचित आवास भी बने, उसकी भी हमारी प्लानिंग। कोविड के अभी पेशेंट बढ़ रहे हैं, क्या व्यवस्था की जा रही है? मैंने पहले बोला था, कोविड को लेकर हमारी सरकार पूरी मुस्तैद है। प्रदेश में भी कोविड की संख्या में इजाफा हुआ है और देश के बाकी राज्यों में भी हुआ है। दुनिया में भी हम देख रहे हैं कि बाकी देशों में भी बहुत तेजी से कोविड केस बढ़े हैं। हम वैक्सीनेशन पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में 95% से ज़्यादा हम वैक्सीन लगा चुके हैं। 15 से 18 साल की जो हमारा पॉपुलेशन है, उसको भी हमने वैक्सीन लगाई है। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि रोको टोको अभियान और जन जागरण अभियान भी पूरी मुस्तैदी के साथ हो। पूरे प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हमने पूरी व्यवस्थाएं की हैं। आज टीकमगढ़ में हमने पीकू वार्ड का लोकार्पण किया है और पूरे प्रदेश में हमारी व्यवस्थाएँ चुस्त दुरुस्त हैं। आज हमने टीकमगढ़ में जिला योजना समिति, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप और रोगी कल्याण समिति की बैठक की और उसमें आज हमने निर्देश दिया है कि अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से जिन किसानों को नुकसान हुआ है प्राकृतिक आपदा के कारण, उनके आज ही से सर्वे शुरू हो गए हैं और समय से और उचित मुआवजा सभी किसानों को मिले, इसको सुनिश्चित करने के हमने निर्देश दिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।